الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام شیوخ حدیث ارباب مدارس دینیہ بزرگان مکرم برادران اسلام
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज बतारीख 19 रबीउल अव्वल सन 1445 हिजरी मुताबिक 6 अक्टूबर सन 2023 बरोज जुमातुल मुबारक कोट अद्दू शहर में इस अजीम उशान सालाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हम सब की शिरकत बाइस सआदत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इसे हमारी बख्शिश मगफिरत और नजात का सबब भी बना दे। मैं शुक्रगुजार हूँ बिरादर मोहतरम मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद इशफाक कासमी साहेब दामत बरकातुहुल आलिया का और उनके तमाम रुफका का जिन्होंने इस सआदत में मुझे शरीक किया। हजरत मौलाना मोहम्मद इशफाक कासमी साहब दो मरतबा इस मकसद के लिए मुल्तान तशरीफ लाए और मुझसे मुसलसल फोन पर जब मैं मुल्क में था या मुल्क से बाहर रबते में भी रहे और मेरे इंतहाई मोहतरम भाई हजरत मौलाना मोहम्मद उमर कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी मुझे याद दिलाते रहे। मैं इन सब हजरात का शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीज मुकर्रम ऐलान में फरमा रहे थे कि हनीफ ने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया तो मेरे दिल में यह बात आई जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वक्त तो ये कीमती है जो मैं यहां गुजार रहा हूं। एक सहाबी हैं हज़रत अबी बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, यहाँ हजरत जामी साहब और बहुत से हजरात तशरीफ फरमा होंगे, खुद मौलाना भी और कई हजरात शुयूखे हदीस हैं। तो जब बुखारी शरीफ में कहीं उनकी रिवायतें आती हैं तो पहले यह आता है अन अबी बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु काल ज़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अन अबी बकरा ज़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबी बकरा रजी अल्लाह तआला ने हुजूर का तज़किरा करते हुए यह बात फरमाई तो उसकी वजाहत में शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बड़ा प्यारा आशिकाना जुमला फरमाते हैं अपनी तकरीर बुखारी में के सहाबा का तो मशगला ही हुजूर का जिक्र करना था। हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते वो करते थे, उनकी तो जिंदगी का मकसद था जिक्र हबीब। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़करा उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और अजीम मशगला था। तो जो लम्हे और साआतें जनाबे नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में हमारी सर्फ हो जाएं वही कीमती है। आपका यही वक्त कीमती है। अगर आपका ये वक्त अपने घर में बिस्तर पर होता, बाजार में होता, आप कहीं पर दोस्तों की मजलिस में होते तो आपका ये वक्त कीमती ना बनता। जब आप जनाबे नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र सुनने के लिए आए गए तो आपकी ये रात, आपके ये लम्हात, आपका ये वक्त कीमती बन गया है। और यकीन रखो कि इंशाल्लाह ये वक्त और ये लम्हात हमारी बख्शिश का और हमारी मगफिरत का जरिया बनेंगे इंशाल्लाह। अरबी का एक शायर कहता है ज़िक्रुका लिल मुश्ताक खैरु शराबी व कुल्लु शराबिन दूनहु कसराबी। मेरे महबूब आपका जिक्र आपसे मोहब्बत रखने वाले के लिए बेहतरीन शराब है। किसी को शराब पीकर क्या नशा और मस्ती आएगी जो आपके दीवानों और आपके आशिकों को आपके जिक्र में नशा आता है।
ذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابِ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابِ। इसके अलावा तो कोई चीज शराब प्यास बुझाने वाली है नहीं, वो तो शराब है। शराब वो होता है कि दूर से रेत वो पानी नजर आती है और इंसान समझता है ये पानी है, मगर जब करीब पहुंचता है रेतली इलाके में तो पता चलता है ये तो पानी नहीं है, मेरी प्यास नहीं बुझेगी, ये तो रेत ही रेत है। तो बाकी तो तमाम रेत की तरह है। आशिकों की प्यास का सामान जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा ताजदार खत्म नबुव्वत उलमाए हक, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, मेरी गुफ्तगू का उन्वान है मोहब्बत रसूल और सुन्नत रसूल। जनाब नबी करीम रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कायनात की मोहब्बतों में सबसे आला मोहब्बत है और यही असल मोहब्बत है। और आपने मेरे साथ एक जुमला कहना है और वो जुमला मैं अक्सर ऐसी मजलिसों में कहलवाया करता हूं और आप में से कोई जबान खामोश और चुप ना रहे, वो जुमला आपने कहना है सबसे आला। और जो जो ये जवाब देगा मोहब्बत से देगा, ये फरिश्ते लिख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको मदीना मुनव्वरा दिखा देना, अल्लाह उनको जन्नती बना देना, अल्लाह उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। अब आप मेरे साथ मिलकर कहेंगे, आपने कहना है सबसे आला, मैं उससे पहले वाला जुमला कहूंगा, आपने सबसे आला कहना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं, ये सारा मजमा नहीं कह रहा, अल्लाह जो जो कह रहा है इनको मदीना दिखा दे, अल्लाह जो जो दिखा कह रहा है इनको जन्नती बना दे, अल्लाह जो जो का जवाब दे इनको हुजूर अली सलाम की शफात नसीब फरमा। कहो सारे मिलकर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सबसे आला, हुजूर अली सलाम की सीरत सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न और जमाल सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सबसे आला, हुजूर अली सलाम की आंखें मुबारक सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की पलकें सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबरू सबसे आला, हुजूर अली सलाम का सर मुबारक सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बाल सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के अनवा वफरा लिम्मा जुम्मा ये तीन तरह के बाल सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाक मुबारक सबसे आला, हुजूर अली सलाम के होंठ मुबारक सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक सबसे आला, जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक सबसे आला, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सबसे आला, हुजूर अली सलाम का सीना मुबारक सबसे आला, हुजूर अली सलाम की कमर पर मोहर नबुव्वत सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक सबसे आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू मुबारक सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की उंगलियां सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की हथेलियां सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू मुबारक सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलें मुबारक सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर बालों की लकीर जो नाफ तक सीने से ऊपर ये बारीक सी बालों की लकीर सबसे आला, हुजूर अली सलाम का बतन मुबारक सबसे आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर से पांव तक का वजूद सबसे आला, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां मुबारक सबसे आला, हुजूर अली सलाम के पांव मुबारक सबसे आला, आपके पांव मुबारक की उंगलियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव की उंगलियों के नाखून सबसे आला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के
کلوے سب سے اعلی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود مبارک سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم مبارک سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے جاگنے کا طریقہ سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ دھو کر بیٹھ کر کھانے کا طریقہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام تین سانسوں میں پانی پینے کا طریقہ سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز سب سے اعلی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی زندگی سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی صبح سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی دوپہر سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی شام سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی مکے کی زندگی سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی مدینہ منورہ کی زندگی سب سے اعلی حضور علیہ السلام کا بچپن سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کا آخری زمانہ سب سے اعلی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی سب سے اعلی اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی سب سے اعلی آپ علیہ السلام کی رات سب سے اعلی آپ علیہ السلام کا دن سب سے اعلی آپ علیہ السلام کا مکہ المکرمہ سب سے اعلی آپ علیہ السلام کا مدینہ منورہ سب سے اعلی آپ علیہ السلام کے نماز کا طریقہ سب سے اعلی آپ علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا طریقہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے حج کا طریقہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے بیت اللہ کا طواف کرنے کا طریقہ سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا انداز سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے ہجرت کا سفر سب سے اعلی حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت سے پہلے عبادت کے لیے غار حرا کا انتخاب سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں قیام سب سے اعلی جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اعلی حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین اسلام سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب سے اعلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے ابنا سب سے اعلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے خاندان کے مرد سب سے اعلی حضور علیہ السلام کا نسب مبارک سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے داماد سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے صحابہ سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے ابو بکر سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے عمر بن خطاب سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے عثمان بن عفان سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے علی المرتضی سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے نواس حسن و حسین سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر معاویہ سب سے اعلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے اعلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین سب سے اعلی حضور علیہ السلام کی پوری زندگی سب سے اعلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے افعال و اعمال سب سے اعلی حضور علیہ السلام کے اخلاق سب سے اعلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب سے اعلی اور جس مجلس کی نسبت حضور سے ہو وہ نسبت بھی سب سے اعلی وہ مجلس بھی اعلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تمام محبتوں سے اعلی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی مقام محمد مصطفی نعرہ تکبیر رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا عابدہ زاہدہ صالحہ نیک عورت تھی خواب میں اللہ تعالی کا دیدار ہوا اللہ والوں کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے
बेदारी में तो इंशाल्लाह तमाम ईमान वालों को होगा, जन्नत में होगा। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कयामत के दिन कुछ तरोताजा चेहरे होंगे जो अल्लाह को देख रहे होंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा कोई शोर नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई हटो बचो की आवाजें और सदाएं नहीं होंगी। को किसी को ये भी नहीं कहेगा तू मेरे आगे आकर खड़ा हो गया, जरा एक तरफ हट जा, मुझे अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो रहा। हर एक जहां पर होगा सुकून के साथ अल्लाह का दीदार कर रहा होगा। अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह के दीदार के जलवे उसको नसीब होंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जन्नत में अल्लाह का दीदार बेयक वक्त हो जन्नतियों को, अनगिनत जन्नतियों को होगा। दुनिया में समझना हो तो इसकी मिसाल सूरज और चांद है जो आसमान पर चमकते हैं। एक ही वक्त में करोड़ों अरबों खरबों इंसान सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं। कभी कोई नहीं कहता मुझे तो सूरज नजर नहीं आ रहा, यह दीवार रुकावट बन गई, ये पहाड़ रुकावट बन गया, ये बिल्डिंग ऊंची रुकावट बन गई, ये आदमी रुकावट बन गया। जिस तरह सूरज और चांद के नजारे अल्लाह ने दुनिया में हर एक को करा दिए और कोई शोर और धक्का नहीं, कोई परेशानी और घबराहट नहीं, ये तो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह तो खालिक है। अल्लाह का दीदार तो इससे भी आला दर्जे पर अल्लाह की शान के मुताबिक होगा। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कहे इससे राजी हो जा। अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कहे फरिश्तों को कह दो इनसे मैं राजी हो गया हूं। सुभान अल्लाह। और ये जन्नत में भी अल्लाह का दीदार उलामा की बरकत से होगा। उलामा की सिर्फ दुनिया में ही जरूरत नहीं, उलामा की जन्नत में भी जरूरत पड़ेगी। सुभान अल्लाह। आज ये रौनकें उलामा की बरकत से हैं। हमारी ईमानी जिंदगी, हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी दीनी जिंदगी, हमारी इस्लामी जिंदगी, हमारी कुरानी जिंदगी, रब्बे मोहम्मद की कसम, रब्बे काबा की कसम, उलामा दीनी मदारिस दावत और तबलीग और मसाजिद की वजह से है। असल जिंदगी मादी जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी जो है वो ईमानी है, रूहानी है, दीनी है, इस्लामी है। ये जिंदगी अल्लाह ने हमें मदरसों उलामा की बरकत से अता की है। अभी आप जो सुन रहे थे करिया करिया गली गली कुर्बो जवार दूर दराज में इस कॉन्फ्रेंस में आपको लाने और दावत देने के लिए इन तमाम उलमा ने मेहनत की है, इन मदारिस ने, इन असातिज़ा ने मेहनतें की है, आप लोगों ने मेहनतें की है। ये तमाम आपको दीन की तरफ लाकर आपके ईमान को ताजा करते हैं। उलमाए किराम और मसाजिद और मदारिस और मिंबरों मेहराब के वारिस लोग इनकी कदर किया करो। सच्ची कहता हूं दुनिया को समझ और देख कर कहता हूं कि आपका और मेरा कलमा और मेरा और आपका इस्लाम और दीन और ईमान यह उलमा और मदरसों की वजह से है, यह मस्जिदों की वजह से है, यह मराकज़ दावत और तबलीग और खानकाहों की वजह से है। इन्होंने पहरा दिया है हमारे दीन और ईमान पर। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को फरमाएंगे मांगो जो मांगना है, सलूनी अम्माशी तो मांगो मांगो। जन्नती एक दूसरे से मशवरा करेंगे क्या मांगे, अल्लाह ने तो सब कुछ दे दिया है, जन्नत से बड़ी क्या चीज है, जन्नत दे दी है, नेमतें दे दी, हुरे दे दी, क्या मांगे। लेकिन अल्लाह जब कह रहा है मालूम होता है कुछ देना चाह रहे हैं जो अभी नहीं मिला, इसलिए तो फरमा रहे हैं मांगो। तो एक दूसरे से मशवरा करके कहेंगे अल्लाह से कहते हैं अल्लाह अपनी रजा अता फरमा दे, हमसे राजी हो जा। ये वो दौलत है जो जन्नती जन्नत में अल्लाह से मांगेंगे और कुर्बान जाएं सहाबा के मकाम पर जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत तक का उधार न रखा, दुनिया में ही अपने महबूब को फरमाया अपनी जबान से कह दो ये जन्नती है और अपनी रजा का ऐलान भी कर दिया रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन, कुरान का हिस्सा भी बना दिया उसको। हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अली हमारे बुजुर्गों में बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं,
शेख उल हदीस व तफसीर थे, इनकी सीरत पर किताब है सीरतुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पढ़ा करो, बेहतरीन मुस्तनद और मियारी किताब है सीरत पर। एक सहाबा का मुनकर और दुश्मन आया, आकर सहाबा के बारे में बहस करने लगा। हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदरी उसको समझाते रहे दलाइल से, कुरान से, हदीस से, ये एतराज भी साहबा पर गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये दलील, इनका मकाम शान मर्तबा ये, मगर वो समझने तो आया नहीं था, वो तो मुखालिफ मुनकर दुश्मन था, वो तो सिर्फ मुकाबला करने आया था। हजरत जब समझ गए तो कहा, उनका तकिया कलाम हर जुमला बोलते थे मौलवी साहब, कहेंगे सुन मौलवी साहब, अल्लाह ने सहाबा को जन्नत में दाखिल कर दिया और अपने राजी होने का ऐलान कुरान में कर दिया, अगर तो तू और मैं और सारी दुनिया मिलकर सहाबा को जन्नत से निकाल सकते हैं फिर तो बहस करें, और अगर हम जन्नत से निकाल नहीं सकते फिर आप दफा हो जाएं, तशरीफ ले जाएं, हमारी बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया है। नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा मकाम सहाबा शान सहाबा नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों को अल्लाह का दीदार दुनिया में होता है मगर ख्वाब में, बेदारी में नहीं हो सकता। ला युद्रिकु ला तुद्रिकुहु अलबसार व हुव युद्रिकुल अबसार व हुव अललतीफुल खबीर। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह अपना दीदार करा दें, अल्लाह ने कहा अपनी तजल्ली पहाड़ पर डालता हूँ, इसको तुम देख सकते हो, वो अल्लाह की तजल्ली और नूर को ना देख सके, उस तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सके, बेहोश होकर गिर पड़े। मालूम हुआ कि दुनिया की जिंदगी में दुनिया की आंखों के साथ अल्लाह का दीदार करने की ताकत किसी आंख में नहीं है, जन्नत में अल्लाह जन्नती की आंख में यह ताकत पैदा करेगा कि वो अल्लाह का दीदार कर लेंगे। ख्वाब में होता है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा को ख्वाब में अल्लाह का दीदार हुआ, कहने लगी अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं आपकी मोहब्बत में रातों को जागती हूं, तहज्जुद पढ़ती हूं, सजदे में सर रखकर रोती हूं, अल्लाह तुझे दिन रात मनाती हूं, दुआएं मांगती हूं और इबादत में गुजारती हूँ, मैंने अपनी इज्जत इफ्फत इस्मत की हिफाजत की है, अल्लाह मेरे दिल में एक सवाल खटक रहा है कि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत तो अल्लाह बहुत है, लेकिन कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे आपकी मोहब्बत से ज्यादा मेरे दिल में आपके मुस्तफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरा ईमान तो नहीं खतरे में पड़ गया, क्योंकि आपकी मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए। आप माबूद हैं वो महबूब हैं, आप खालिक हैं वो मखलूक हैं, आपने मुझे पैदा किया है, आपने मुझे जिंदगी दी है, वजूद दिया है, आपकी मोहब्बत पहले, सरकार की मोहब्बत बाद में, आपकी मोहब्बत ज्यादा होनी चाहिए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके बाद होनी चाहिए, नंबर एक पर अल्लाह की मोहब्बत, नंबर दो पर रसूलुल्लाह की मोहब्बत। लेकिन राबिया बसरिया ने कहा अल्लाह मुझे कभी कभी यूं लगता है कि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत से भी ज्यादा हुजूर की मोहब्बत है। सल्लल्लाहु सारे कह दो सल्लल्लाहु, जिस जिसको हुजूर से मोहब्बत है कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ईमान तो नहीं डगमगा गया, मेरा ईमान कमजोर तो नहीं, कम तो नहीं, तो क्या जवाब दिया अल्लाह ने? सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया राबिया तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरा ईमान कामिल है, मेरे महबूब की मोहब्बत मेरे मोहम्मद की मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत है, ये दो अलग अलग मोहब्बतें नहीं है, ये एक ही मोहब्बत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत है, क्योंकि तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इस वजह से है कि वो मेरे नबी हैं, इस वजह से है कि वो मेरे पैगंबर हैं, इस वजह से है कि मेरे रसूल हैं, इस वजह से है कि मेरे महबूब हैं, इस वजह से है कि मेरे मुस्तफा हैं, इस वजह से है कि मैंने उनको ये मकाम और मर्तबा दिया है। तो तुम हुजूर से जो मोहब्बत कर रही हो वो मेरी वजह से कर रही हो, इसलिए हुजूर की मोहब्बत भी मेरी ही मोहब्बत है, ये अलग मोहब्बत है, दो नहीं है, ये एक ही मोहब्बत है।
इसीलिए हदीस मुबारक का एक जवाब जहां हुजूर ने अपने और अल्लाह को मिलाकर जिक्र किया है, इकट्ठा जिक्र किया है, हदीस में आता है सलासुन, तीन बातें जिसके अंदर होंगी, मन वजदा फीही सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा हलावत अल ईमान, तीन बातें जिसमें होंगी ईमान की मिठास उसको मिलेगी। नंबर एक पर फरमाया अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैही मिम्मा सिवाहुमा। यहां उलमा सवाल कायम करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो एक खुतबा तकरीर करने वाले को जिसने अल्लाह और हुजूर को मिलाकर इकट्ठे जिक्र किया नाराजगी का इजहार किया था कि तूने अल्लाह और मेरा नाम मिला क्यों दिया, अल्लाह तो बड़े हैं, अल्लाह का जिक्र अलग कर, मेरा जिक्र बाद में अलग कर, ये इकट्ठे क्यों मिला दिया, ये शिर्क का शुबा क्यों पैदा कर दिया। और यहाँ खुद हुजूर मिला रहे हैं मिम्मा सिवाहुमा में अपना और हुजूर अल्लाह का जिक्र इकट्ठे कर रहे हैं। तो एक जवाब उलमा ने यह दिया है कि यह मोहब्बत का मौका है और मोहब्बत दोनों की एक ही है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है मगर मोहब्बत दोनों की एक है। सुभान अल्लाह सुभान, इसलिए हुजूर ने दोनों को इकट्ठा जिक्र कर दिया मिम्मा सिवा। ठीक जवाब है, उलमा से तस्दीक भी करा लो ना। तो मेरे दोस्तों और भाइयों सच बताओ यहां तुम किसकी मोहब्बत में आए हो? सारे बोलो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत, और ये मोहब्बत तो एक ही है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में आए हो। और ये मोहब्बत कितनी अजीम है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नास अजमईन। तुम में से कोई एक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत से, औलाद की मोहब्बत से और तमाम लोगों की मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत मेरी ना हो। इस पर सवाल उलमा कायम करते हैं, आपके दिनों में भी सवाल आता होगा कि हमारे दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है मगर हमारे दिल को जब हम देखते हैं तो अपने माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा लगती है, औलाद की मोहब्बत ज्यादा महसूस होती है, दोस्तों की मोहब्बत ज्यादा लगती है। हम हुजूर के लिए इतना बेचैन बेकरार नहीं होते जितना माँ बाप औलाद के लिए बेचैन, औलाद माँ बाप के लिए बेचैन और बेकरार, और जिस तरह अपने दोस्तों के लिए बेचैन बेकरार, खाविंद बीवी के लिए बेकरार, बीवी खाविंद के लिए बेकरार, जब तक बेटा घर ना आ जाए माँ दरवाजा तकती रहती है, बेटी को कोई तकलीफ हो जाए बाप के दिल पर चोट लगती है, माँ के दिल पर चोट लगती है, और जब तक खाविंद घर ना आ जाए बीवी राह तकती रहती है। और खाविंद जिसको अपनी बीवी से मोहब्बत होती है उसको सिवाय बीवी के कहीं सुकून नहीं मिलता है। तो अगर सवाल ये पैदा होता है कि ईमान उस वक्त तक नहीं जब तक हुजूर की मोहब्बत ज्यादा ना हो, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें अपनी औलाद की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, हमें रिश्तेदारों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत ज्यादा महसूस होती है। हम जितना इनको याद करते हैं इतना हुजूर को याद नहीं करते, जितना इनके लिए बेचैन होते हैं हुजूर के लिए बेचैन नहीं होते, जितना इनके लिए बेकरार होते हैं हुजूर के लिए बेकरार नहीं होते, जितना हम इनके लिए तड़पते हैं इतना हुजूर के लिए नहीं तड़पते। इसका मतलब यह हुआ कि फिर हमारा ईमान ही नहीं। नारा हैदरी या अल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत अली भी माशाल्लाह अहलन व सहलन वो भी या अल्लाह का नारा लगाते थे। मेरे दोस्तों और भाइयों अब सवाल समझ में आया, ये जलसा रिवायत नहीं दीन समझने के लिए आए हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर एक के बारे में कहा तुम मोमिन नहीं जब तक कि मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा ना हो। अब अगर हम गौर करें तो हमें मोहब्बत हुजूर की है तो सही मगर माँ बाप की औलाद की ज्यादा उनके लिए बेचैन बेकरार होते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, उनको याद करते हैं। हुजूर से मोहब्बत है मगर इतनी नहीं है। जवाब उलमा ने दिया है मोहब्बत दो किस्म पर है। उलमा मौजूद हैं, आज आप भी हुजूर के एक हदीस को समझ कर जाइएगा आपका चेहरा क़यामत को चमकेगा। उलमा ने लिखा एक मोहब्बत तबी है, एक मोहब्बत अकली है। मैं आपको आसान
लफ्जों में समझाऊंगा। तभी मोहब्बत ये गैर इख्तियारी हुआ करती है और अकली मोहब्बत ये अपने इख्तियार और इरादे से हुआ करती है। औलाद से मोहब्बत ये तभी मोहब्बत है। आपको अपनी औलाद से मोहब्बत के लिए कि मैं औलाद से मोहब्बत करने वाला बन जाऊं, किसी स्कूल में दाखिला नहीं लेना पड़ा, किसी मदरसे में दाखिला नहीं लेना पड़ा, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ा, कोई कोर्स नहीं करना पड़ा, कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ी कि किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाऊं और वो मुझे समझाएं पढ़ाएं कि औलाद से मोहब्बत करनी है। ये खुद ब खुद आपके दिल में औलाद की मोहब्बत आ गई। माँ बाप की मोहब्बत के लिए आपने कोई कोर्स नहीं किया, आपने कोई निसाब नहीं पढ़ा, आपने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा, आपने किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया कि मैं माँ बाप से मोहब्बत करना चाहता हूँ, मुझे कोई किताब पढ़ा दो, कोई मुझे निसाब पढ़ा दो, कोई मुझे ट्रेनिंग करा दो। आप ट्रेनिंग के निसाब पढ़ेंगे, अपने इख्तियार से पढ़ेंगे, फिर माँ बाप की मोहब्बत आएगी। नहीं नहीं, माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बीवी और खामिंद की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, अपने दोस्तों की मोहब्बत के लिए तुमने कोई कोर्स नहीं किया, ये खुद ब खुद तबअन तुम्हारे इख्तियार के बगैर तुम्हारे मिजाज में अल्लाह ने रख दिया कि तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है। इसको तभी मोहब्बत कहते हैं। इसके लिए आपको कोई मेहनत मुजाहदा नहीं करना पड़ा, कोई सीखना नहीं पड़ा, किसी का शागिर्द नहीं बनना पड़ा। जाहिल भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है और आलिम भी करता है, पढ़ा लिखा भी करता है, अनपढ़ भी करता है, हर एक को माँ बाप से मोहब्बत, गांव का भी कर रहा है, शहर का भी कर रहा है। ये बगैर किसी कोर्स के अल्लाह ने हर एक में ये तभी तौर पर रख दी कि वो मोहब्बत करेगा। और एक ये मोहब्बत इख्तियार में नहीं होती। मैं मिसाल देता हूं, उलमा जानते हैं इसकी दलील को। जनाब नबी ये करीम रहमती आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजवाज मुतहरात थी? जल्दी जल्दी बोलो, हुजूर की बीवियां कितनी थी? 11। उम्मती को एक वक्त में 4 शादियों की इजाजत। हुजूर अलैहिस्सलाम की खसूसियत थी कि आपने एक वक्त में 4 से ज्यादा शादियां निकाह की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब में इंसाफ करना, बराबर वक्त देना, ये फर्ज और वाजिब और लाजिम नहीं था। हुजूर की मर्जी थी जिसके पास चाहे वक्त गुजारें, जिसके पास चाहे जाएं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तुर्जी मन तशाउ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा। मेरे महबूब, आपको इख्तियार है, आप किस बीवी के पास जाना चाहे जाएं, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद फर्ज वाजिब लाजिम ना होने के हम पर इंसाफ लाजिम है, बराबरी मुसावात लाजिम है, एक से ज्यादा बीवियों में इंसाफ करना लाजिम है, हुजूर पर लाजिम नहीं था, लेकिन हुजूर ने लाजिम ना होने के बावजूद खुद अपने ऊपर लाजिम किया। हुजूर ने बारियां मुकर्रर की, आज की रात इस बीवी के पास, आने वाली रात फुला बीवी के पास, उसके बाद वाली रात फुला बीवी के पास। रोजाना सरकार तमाम बीवियों के घरों में जाते, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई जरूरत की चीज मंगवानी हो तो बता दो। ये हुजूर ने खुद इंसाफ कायम किया हुआ था। क्यों? हुजूर मुअल्लिम थे, आपके अमल से उम्मत ने सीखना था, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमूना बनना था, इसलिए अगरचे आप पर लाजिम फर्द नहीं था, फिर भी हुजूर इंसाफ करते थे ताकि मेरा कोई उम्मती ये ना कहे कि हुजूर नहीं करते थे मैं क्यों करूं, बल्कि उसको सबक मिले कि जब मेरे ऊपर फर्ज नहीं मैं कर रहा हूं, तुम्हारे ऊपर तो फर्ज है। इसलिए हुजूर इंसाफ करते थे, सब में बराबर करते थे। मगर हदीस में, मिश्कात में रिवायत मौजूद है, हुजूर दुआ मांगा करते थे और कहते थे, अल्लाहुम्मा हादा कस्मी फीमा अम्लिको फला तलुमनी फीमा तम्लिको वला अम्लिको। ऐ अल्लाह, जो मेरे इख्तियार में है मैं इंसाफ करता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है कि हर बीवी को बराबर वक्त दूं, हर बीवी को मैं इनके साथ इंसाफ करूँ, हर बीवी को मैं टाइम दूं, हर बीवी का ख्याल करूँ, ये मुझ मोहम्मद के इख्तियार में है, ये मैं करता हूँ, लेकिन मोहब्बत और दिल का मैदान ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये रब तेरे इख्तियार में है, क्योंकि दिल तेरे कब्जे में है। ऐ अल्लाह, मेरे अपने दिल से मोहब्बत आयशा के साथ है, इससे इसके ऊपर तू मेरा मुआवजा ना करना। सुभान अल्लाह कहो। हुजूर को बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? जो जो हजरत आयशा को अपनी ईमानी माँ समझता है जवाब दे। हुजूर को अपने बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे थी? आयशा से। ऐ अल्लाह, जो जो अम्मी का नाम ले रहा है इनको कयामत में अम्मी की सिफारिश अता फरमा देना। कहो, सबसे ज्यादा मोहब्बत किन से थी? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से।
अब हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह मैं सब में बराबरी मगर मोहब्बत मेरे इख्तियार में नहीं, ये तभी चीज है, ये गैर इख्तियारी है, ये मुझे आयशा रजी अल्लाह तआला के साथ ज्यादा है, बेटियों में फातिमा के साथ ज्यादा है, आजाद मर्द सहाबा में अबू बकर के साथ है, दामादों में हजरत अली के साथ है। अल्लाह ये मोहब्बत तो मेरे इख्तियार में नहीं, ये मोहब्बत तभी है। आपको भी अपने बच्चों से प्यार और बच्चों में से किसी एक के साथ ज्यादा प्यार होगा। माँ एक बच्चे से कर रही होती है, बाप दूसरे बच्चे से, और बाद औकात कहते हैं कि जी अब्बू आपको फुलाने बेटी बेटे से ज्यादा प्यार है, मुझसे कम है। तो वो जवाब में कहता नहीं बेटी मेरे लिए सब बराबर हो, तुम सब बेटे बराबर हैं, मगर क्या करूं किसी एक के साथ ज्यादा है, क्यों भी होती है कि नहीं होती। मेरा बेटा यहां बैठा है, मैं इससे कहता था कि मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत है, तुम्हें मेरे साथ कम है, और मैं दलील भी ये देता था कि देखो याकूब और यूसुफ बाप बेटा हैं, जुदा दोनों हुए हैं, मगर जुदाई में रोए तो यूसुफ भी हैं, रोए तो याकूब भी हैं, बाप भी बेटे को रो रहा है याद करके, बेटा भी रो रहा है, मगर कुरान में आता है बिनाई बाप की नहीं, बाप की गई है, बेटे की नहीं गई। याकूब अली सलाम की बिनाई गई है, बेटे यूसुफ की नहीं गई, रोए तो वो भी होंगे याद तो वो भी, ये दलील है कि बाप को भी बेटे से मोहब्बत, बेटे को भी, मगर बेटे को कम होती है बाप को ज्यादा होती है, ये मानता नहीं था। अब इसका अपना बेटा हुआ है मेरा पोता, अब उसके बगैर रहता नहीं है। मैंने कहा अब समझ में आ गया, बहुत सी बातें जब इंसान पर पड़ती हैं तो समझ आती हैं। एक बूढ़ा जा रहा था बेचारा, बुढ़ापे की वजह से गर्दन उसकी कमर झुकी हुई थी, बच्चे शरारती खेल रहे थे, तो एक बच्चा वो होगा कोई लखनऊ का रहने वाला साहिब जबान होगा, कहते बड़े मियाँ ये आपने तीर कमान कितने में खरीदी है, मजाक किया, क्योंकि तीर कमान जैसे होती ना टेढ़ी, ऐसे बुढ़ापे में बाज की कमर टेढ़ी हो जाती है, तो बच्चे ने मजाक में कहा बड़े मियां ये तीर कमान कहां से ली, कितने में ली। वो बड़ा बूढ़ा भी बड़ा समझदार था, बूढ़े बड़े समझदार होते हैं, तजर्बाकार हुआ करते हैं, और तजर्बे का मुकाबला इलम भी नहीं किया करता। मैं कहता हूँ देखो हुजूर का मकाम नबुव्वत का रिसालत का मनसब कितना आला है, आपका इलम कितना आला है, आपकी नबुव्वत कितनी आला है, मगर मेराज में जब 50 नमाजों का हुक्म मिला वापस आ रहे थे तो मूसा अलैहि सलाम ने मशवरा दिया जाओ वापस अल्लाह से कहो 50 नमाजों को कम करके रियायत कर दो, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम ने कहा मेरा तजर्बा है, आपका वास्ता कौम से भी पढ़ना है, ये 50 नमाजें वो नहीं पढ़ सकेगी। हुजूर ने मूसा अलैहि सलाम के तजर्बे को कबूल किया और वापस जाकर कहा अल्लाह इसमें रियायत कर दीजिए। हालांकि इलम तो हुजूर का ज्यादा था, शान तो हुजूर की ज्यादा थी, मकाम तो हुजूर का ज्यादा था, मर्तबा तो हुजूर का ज्यादा था, मगर उस वक्त तक उम्मत का तजर्बा मूसा अलैहि सलाम का ज्यादा था। और हुजूर अलैहि सलाम ने समझाया तजर्बे से, इसलिए जवानों बूढ़ों की कदर किया करो, नौजवान असाध्या बूढ़े असाध्या की कदर करें, और औलाद माँ बाप की कदर करें, और अपनी तिजारत में सनत में जिस मैदान में भी हो तजर्बाकार लोगों के तजर्बे से फायदा उठाया करो। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा निसाब तुम्हारी डिग्रियां वो काम नहीं दे सकती जो तजर्बाकार का तजर्बा तुम्हारी रहनुमाई कर देता है। समझाने के लिए मिसाल, मुझे हमारे मदरसे के एक उस्ताद ने बताया, मैं वापस आया कराची पहुंचा हरामैन से आया, रमजान के अखीर में आया, ईद का मौका था, कराची रेलवे स्टेशन गया, मैंने कहा मुल्तान जाना है मुझे कोई एक बर्थ दे दो और मुझे एक सीट दे दो ताकि मैं थका हुआ आया हूँ आराम करता हुआ सोता हुआ जाऊं। तो उन्होंने कहा मुल्तान के सारा कोटा खत्म हो गया, अब ट्रेन में कोई सीट मुल्तान की नहीं है। कहते मैं मक्के मदीने से आ रहा था, उमरा करके आ रहा था, रमजान का महीना था, रोजा था, ईद से पहले एक दिन पहले पहुंचा था मुल्तान, मैंने आना था, ईद यहां करनी थी, आकर ईद मैंने पढ़ानी थी, मैं परेशान हुआ, पीछे हटा परेशानी में, एक आदमी मुझे कहने लगा मौली साहब कारी साहब क्यों परेशान हो। कहा मैंने मुल्तान का टिकट मांगा, इन्होंने कहा कोटा खत्म कोई सीटें नहीं। उसने कहा मैं तजर्बाकार आदमी हूं, सुन मैं तुझे मशवरा देता हूं, तू इनको जाके कह मुझे खानेवाल का टिकट दे दो, कराया मुल्तान का जितना है उतना ही खानेवाल का है।
वो लोधना से डायरेक्ट खानेवाल ट्रेन शुमार होती है और खानेवाल में लोग कम जाते हैं, मुल्तान में ज्यादा। उसका कोटा पड़ा होगा, उसकी बर्थ तुझे मिल जाएगी। ये कहते मैं दोबारा गया, मैंने कहा खानेवाल की टिकट दे दो। उसने कहा टिकट खानेवाल की ले लो, उतर मुल्तान जाना। ये तो कोई शरण, तुमने तो ज्यादा पहले उतर गए। टिकट खानेवाल की लो, उतर मुल्तान जाना, उसका कोटा सीट पड़ी होगी। मैं दोबारा उसी खिड़की पर गया, मैंने कहा खानेवाल का दे दो। उन्होंने कहा हाँ खानेवाल की सीट पड़ी है, लाओ पैसे मौली साहब ले लो। ये तजर्बा है, इसको तजर्बा कहते हैं। तो तजर्बे अब समझ में आ गया तजर्बा क्या होता है, और तुम्हें पता भी चल गया, कभी जरूरत पड़े तो ऐसे कर लेना। बात से बात निकली, वो मैं बात रह ना जाए। मैंने कहा कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे कि जन्नती अल्लाह से क्या कहेंगे, वो बात रह गई। अल्लाह अपनी रजा दे दे ये कहेंगे, ये अल्लाह से कहेंगे। जब अल्लाह से ये कहेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला कहेंगे मैं अगर तुमसे राजी ना होता तो तुम्हें जन्नत में क्यों आने देता, हवा भी ना लगने देता। ये नेमत तो मैंने दे दी, कोई और चीज मांगो। अब जन्नती आम लोग कहेंगे हमने सब कुछ अल्लाह से मांग लिया, अब कोई चीज बाकी नहीं रही, क्या अल्लाह से मांगे। एक दूसरे से कहेंगे कि चलो उलामा के पास जाते हैं, उनका कुरान और हदीस का इलम ज्यादा था, वो जन्नत में ऊपर के दर्जे में होंगे, आम लोग नीचे वाले दर्जे में होंगे। उलामा ऊपर की क्लास में होंगे, आम जन्नती नीचे की क्लास में होंगे। अब कहेंगे उलामा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं जन्नत में भी जन्नतियों को मौलवियों की जरूरत पड़ेगी, उलामा की जरूरत पड़ेगी। तुम पैदा हो तो आदान के लिए मौलवी, मरो तो जनादे के लिए मौलवी, निकाह करो तो मौलवी, और पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें मौलवी की जरूरत है। डॉक्टर की जरूरत बीमारी के वक्त है, साइंसदान की जरूरत जरूरत के वक्त है, इंजीनियर की जरूरत मकान बनाने के वक्त है, आर्किटेक्ट की जरूरत मकान का नक्शा बनाने के वक्त है, वकील की जरूरत मुकदमा लड़ने के वक्त है। मगर अल्लाह के दीन पर चलने के लिए उलामा की हर वक्त जरूरत है, दिन भी और रात भी, सुबह भी और शाम भी। नारे तकबीर शाने मोहम्मद मुस्तफा उलमाए हक। जज़ाकल्लाह। बस वक्त थोड़ा है, मौका मौलाना तशरीफ ले आए। जन्नत में जब उलमा के पास जाएंगे, अल्लाह कह रहे हैं सलूनी अम्माशी, तुम मांगो जो मांगना है, हमारे इल्म में तो सब कुछ मिल गया, क्या बाकी है जो मांगे। तो उलमा कहेंगे एक चीज बाकी है, इसका वादा अल्लाह ने दुनिया में ईमान वालों से कुरान में किया था, वो अभी नहीं मिली। जन्नत मिल गई, अल्लाह की रजा मिल गई, हूरे मिल गई, यहाँ के तमाम फल मिल गए, तरह तरह की नेमतें मिल गई, अल्लाह का दीदार नहीं मिला। अल्लाह से दरख्वास्त करो अल्लाह अपना दीदार अता कर दे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। कुछ तरह ताज़ा चेहरे अपने अल्लाह को देख रहे होंगे, तो अल्लाह को देखने वाले चेहरे वो अल्लाह अपना दीदार कर दे, करा दे। उलमा के बताने पर दरखास्त होगी, अल्लाह के हिजाब नूर के हटने लग जाएंगे, अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह का दीदार होगा। तो ये बात भी रह गई थी, हुजूर ने फरमाया तीन चीजें जिसमें होंगी, ईमान की मिठास, अल्लाह रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो। अब मैंने सवाल कायम किया था कि मोहब्बत दो किस्म पर है, एक मोहब्बत तबी, वो मैंने आपको बता दी, ये गैर इख्तियारी है, ये इंसान के बस में नहीं हुआ करती। अब अगर ये मुराद है कि जब तक तबन हुजूर से मोहब्बत ज्यादा नहीं तो सवाल होगा ये तो इख्तियार नहीं, और अल्लाह तो इख्तियार वाली चीज का पाबंद करता है, गैर इख्तियारी चीज का मुकल्लफ नहीं करता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ईमान नहीं जब तक हुजूर से तबी मोहब्बत ज्यादा ना हो, मोहब्बत अपने इख्तियार में नहीं तो इसका मतलब ईमान ही नहीं। तो उलमा कहते हैं दूसरी किस्म मोहब्बत की अकली है। अकली मोहब्बत क्या होती है वो समझो, अकली ये है कि आपने अपनी अकल को इस्तेमाल किया, आपने गौर और फिक्र किया कि इस कायनात में अल्लाह की मखलूकात में सबसे ज्यादा मेरा बड़ा मोहसिन कौन है, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा एहसानात किसके हैं, और सबसे ज्यादा मेरे वजूद के लिए सबसे रहमत बड़ी कौन है। जब आप गौर करेंगे, अपनी अकल से सोचेंगे,
देंगे तो आपकी अकल जवाब देगी, इस कायनात में हुजूर से बड़ा और हुजूर के करीब भी क्या कोई तेरा मोहसिन नहीं। सबसे बड़े मोहसिन तेरे जनाब नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तू पैदा भी नहीं हुआ था, तेरा नबी सजदे में सर रखकर रो रहा था और कह रहा था अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत। जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा, जाओ मेरे मोहम्मद से पूछो क्यों रो रहे हैं। अल्लाह को पता है लेकिन फरिश्तों की ड्यूटियां अल्लाह ने लगाई हुई हैं। हजरत जिब्राइल आए, क्यों रो रहे हो? कहा उम्मत का डर है, मेरी उम्मत कहीं जहन्नम में न जाए। जाकर अल्लाह को कहा हुजूर उम्मत के गम में रो रहे हैं, अपने कलमा पढ़ने वालों के गम में रो रहे हैं, जो क्यामत तक आएंगे इनका कलमा पढ़ेंगे उनके सदमे में रो रहे हैं कि वो कहीं जहन्ना जहन्नम में न चली जाए। अल्लाह ने कहा जाओ जिब्राइल मेरे मोहम्मद को कह दो हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के हवाले से राजी करेंगे, खुश करेंगे। जिब्राइल आए, कहा जाकर अल्लाह से कह दो मैं राजी उस वक्त तक नहीं हूंगा जब तक के मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाएगा। मैं सारे उम्मतियों को अपने उनका हाथ अपने हाथ से पकड़कर जन्नत में लेकर जाऊंगा। अल्लाह ने कुरान में उतार दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आख़िरतु ख़ैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरज़ा। अल्लाह कहते हैं इतना देंगे हम तुम्हें राजी कर देंगे, हम तुम्हें खुश करेंगे। यहां मैं एक जुमला इश्क का कहता हूँ, क्यों भाई तुम बताओ तुम वजदी हो या नजदी हो? जवाब ही नहीं दे रहे, मालूम होता तुम वजदी नहीं हो। वजद कहते हैं इश्क को, मोहब्बत को, और नजदी ये है, ये भी शिर्क, ये भी शिर्क, ये भी शिर्क। आप बताओ आप वजदी हो या नजदी हो? हैं? जो कहते हैं हम वजदी हैं आशिक हैं वो हाथ खड़ा करें। हुजूर के आशिक हो? नहीं, कहो हम हुजूर के दीवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अभी अपना मौजू शुरू ही नहीं किया, ये तमहीन चल रही है। मेरे दोस्तों और भाई मैं समझा रहा हूं, तभी मोहब्बत मिसाल मैंने दी ये गैर इख्तियारी होती है। जैसे आपको औलाद से मोहब्बत, अकली मोहब्बत इख्तियारी होती है, वो सोचता है इंसान, गौर करता है। आप भी जब गौर करेंगे कि सबसे ज्यादा मेरे ऊपर एहसानात किसके हैं, कोटद्दू वालों मैं आपसे पूछता हूँ आप पर सबसे ज्यादा एहसान किस हस्ती के? सारे बोलो, सारे ऊंची आवाज से बोलो, जो जो बोले अल्लाह इन सब से राजी हो जाइए। कौन? जनाब नबी करीम साहब। अगर हुजूर ना होते तो हम पैदा भी ना होते, हमारी जिंदगी भी ना होती, वजूद ना होता। वो सबसे बड़े मोहसिन हैं जिनकी बरकत से जिंदगी मिली, वजूद मिला, हयात मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, दीन मिला, इस्लाम मिला, शरीयत मिली और सबसे बढ़कर अल्लाह मिला। हमें तो अल्लाह का पता ना चलता अगर हुजूर ना होते, अल्लाह की जात और सिफात का, अल्लाह के अहकाम का मैं पता ना चलता अगर हुजूर ना होते। तो हुजूर हमारे सबसे बड़े मोहसिन। तो जब सबसे बड़े थोड़ा सा एहसान हो उससे मोहब्बत करते हो तो अकली अकल कहती है जिसके तुम्हारे ऊपर सबसे बड़े एहसान है उससे मोहब्बत करो। जब उससे मोहब्बत करोगे ये अकली मोहब्बत होगी, ये अकली मोहब्बत तभी मोहब्बत से भी ज्यादा दर्जा रखती है। क्यों? अब जरा ये समझो जो मैं समझाने लगा हूं। तभी मोहब्बत वो मेरा अकीदा नहीं है, वो मेरा ईमान नहीं है। अकली मोहब्बत मेरा ईमान भी है, मेरा अकीदा भी है। माँ बाप की मोहब्बत ये मेरा ईमान और अकीदा नहीं है, ये मेरी अकीदत है, अकीदा नहीं है। औलाद की मोहब्बत ये मेरी तभी मोहब्बत है, ये मेरी अकीदत मोहब्बत है, मेरा अकीदा नहीं है, ये मेरा ईमान नहीं है। मगर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा इश्क है, ये मेरी अकीदत है, ये मेरी मोहब्बत है। माँ बाप की मोहब्बत का इनकार कर दो, औलाद की मोहब्बत का इनकार कर दो, मैं काफिर नहीं होता। हुजूर की मोहब्बत का इनकार कर दो, मैं काफिर हो जाता हूं। मां बाप की मोहब्बत है, होनी चाहिए, लेकिन इनकार हो तो उससे मेरा अकीदा ईमान खत्म नहीं होता। हुजूर की मोहब्बत का इनकार करूं मेरा ईमान खत्म हो जाता है। इसलिए ये मोहब्बत है जो हदीस में कही जा रही है, अकली मोहब्बत हुजूर के साथ, ये मेरा अकीदा बन गई, वो शख्सियत मेरे नजदीक सबसे अहम है। एक शायर था, शराब पीता था, नशे में रहता था, नशे में आदमी को पता नहीं क्या कह रहा हूं,
लोगों की तोहीन करता था, किसी को कुछ समझता नहीं था, शेर और अदब के अंदर अपना नाम रखता था। एक दिन शराब पी रहा था, नशे में था, शराब का जाम उसके हाथ में था। तो एक काफिर ने सोचा ये मौका है, इससे इसकी नबी की शान में कोई कलमा कहलवा दिया। उसने कहा फुला शायर के बारे में क्या तेरा ख्याल, कहा दफा कर परे, बिल्कुल बेकार आदमी है, कुछ नहीं आता उसको, उसका क्या है। चार चार पांच सुना दी। इसी दौरान उसने पूछ समझ लिया आप ये नशे में है। कहा तू तेरा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में क्या ख्याल है। उसने वही शराब वाला जाम और गिलास उसके मुंह पर मारा और मार कर कहने लगा क्या तू मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा भी छीनना चाहता है। शराबी है, नशे में है, मगर हुजूर की मोहब्बत इतनी है कि इस नशे के अंदर भी होश है और कहता है मेरा सबसे बड़ा सहारा तो आमना का लाल ताजदार मदीना है। यह है मेरे दोस्तों मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। अब बताओ जब हुजूर की मोहब्बत है तो फिर मोहब्बत का कानून है कि महबूब की हर चीज से मोहब्बत होती है, महबूब की हर चीज से मोहब्बत होती है। मैं अब इसमें नहीं जाता तफसील में, वो इंशाल्लाह और हजरात कि जब हुजूर से मोहब्बत है तो अब सहाबा से मोहब्बत हो, कुरान से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, तमाम। मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर की सीरत और सुन्नत से भी मोहब्बत करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत करो। हदीस में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको मुझसे मोहब्बत वो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ गोया मोहब्बत कर रहा है, जो मेरे साथ मोहब्बत कर रहा है वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, और जो अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करेगा। और एक रिवायत फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं सुन्नत क्या है, सिर्फ इतना कहता हूं सुन्नत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के वली और आलिम थे, बड़ा बड़ी बड़ी प्यारी तारीफ की। एक तारीफ की है इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह, वो भी बड़ी अजीम है। हजरत मौलाना सरफराज खान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह पहले एक मिसाल देते हैं, फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी मस्जिद में बैठकर शराब बेच रहा हो और उसके पास शराब की एक नहीं 100 बोतलें हैं, आप बताइए ये मामूली गुनाह है या बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो शराब वो हराम, फिर बेच भी मस्जिद में रहा है, मस्जिद का इज्जत का एहतराम तकद्दुस, फिर एक बोतल नहीं 100 बोतलें रखी हुई हैं। फरमाते हैं जितना बड़ा गुनाह ये है इससे बड़ा गुनाह है हुजूर की सुन्नत के मुकाबले में बिदत को इख्तियार। क्यों? ये शराब बेचने वाला एक न एक दिन तोबा कर लेगा, वो समझता है मैं गुनाह कर रहा हूं, और बिदत वाला तो समझता है मैं सवाब का काम कर रहा हूं, उसको कभी तोबा की तौफीक नहीं होगी, शराबी को तोबा की तौफीक हो जाएगी। वो तो उसको दीन समझ रहा है, वो तो अपनी मनगढ़ंत चीजों को दीन बनाकर पेश कर रहा है। और फिर उन्होंने बड़ी प्यारी तारीफ फरमाई, फरमाया सुन्नत किसको कहते हैं और बिदत किसको कहते हैं। फरमाया सुन्नत उसको कहते हैं जो दीन के नक्शे को ठीक रखे, और बिदत उसको कहते हैं जिसकी वजह से दीन का नक्शा तब्दील हो जाए। मिसाल देता हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें अजान दी वो कहां से शुरू होती है? ये कोई झगड़े की बात नहीं, दीन को समझने समझाने की बात है। अजान कहां से शुरू होती है? जिस चीज को आता है पता है कि अजान कहां से शुरू होती है? ऊंची आवाज से कहो अल्लाह, जो जवाब दे इनको बिलाले हबशी का साथ नसीब फरमाना रज़ी अल्लाह अन्हु। बताओ अजान कहां से शुरू होती है? अल्लाह हू अकबर। अब सुनिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सला हय्या अलस सला हय्या अलल फला हय्या अलल फला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह।
ये वो अदान है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दी है। याद रखो कोटद्दू के मुसलमानों, ये वो अदान है जो अल्लाह ताला ने भेजी थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, और अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी ने खाम में फरिश्तों के सरदार से सुनी थी, हुजूर को आकर सुनाई थी। हुजूर ने फरमाया था बिलाल हबशी को सिखा दो। ये वो अदान है जो जिब्राइल लेकर आए, ये वो अदान है जो अल्लाह ने भेजी, ये वो अदान है जो अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बी रजी अल्लाह ताला ने खाम में फरिश्ते से सुनी, ये वो अदान है जो बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला ने दी, ये वो अदान है जो मस्जिद कुबा के मुअज्जिन साद अल कुरज ने दी, ये वो अदान है जो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम ने दी, ये वो अदान है जो बैतुल्लाह के मीनारों से बुलंद हुई, ये वो अदान है जो मस्जिद नबी के अदानों से बुलंद हुई, ये वो अदान है जो रसूलुल्लाह के दौरे नबुव्वत जब तक आप दुनिया में थे ये अदान बुलंद होती रही। ये अबू बकर के जमाने में, उमर उस्मान अली रजी अल्लाह तआला के जमाने में कई सदियों तक ये अदान बुलंद होती रही। आज अगर मैं मोहब्बत के नाम पर, इश्क के नाम पर इस अदान के शुरू में या अदान के दरमियान में किसी चीज का इजाफा कर दूंगा, ये मेरी मोहब्बत तो अपनी जगह है मगर ये अदान अदान नहीं कहलाएगी, ये सुन्नत नहीं कहलाएगी, ये दीन नहीं कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर शुरू में कोई इजाफा किया या दरमियान में किया, अदान का वो नक्शा बदल गया जो अदान अल्लाह के नबी ने, आमना के लाल ने उम्मत को दी थी। मेरे दोस्तों समझो सुन्नत क्या है। आप बैतुल्लाह का तवाफ करने गए, अल्लाह सबको ले जाए, आमीन कह दो, बार बार जाओ और बार बार खाना काबा को देखो। तुम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हो, तुमने 7 चक्कर किए, तुम्हारा दिल लगा, तुमने कहा ये तो कमजोर आदमी करे, मैं तो 8 चक्कर करूंगा, मैं 9 चक्कर करूंगा, मैं 10 करूंगा, बैतुल्लाह की मोहब्बत में करूंगा, अल्लाह की मोहब्बत में करूंगा, अल्लाह के घर के इर्द गिर्द दीवानावार में चक्कर लगाऊंगा, मैं एक तवाफ 7 चक्करों का नहीं करूंगा, मैं 9 का करूंगा, मैं 10 का करूंगा, मैं 11 का करूंगा। कोटद्दू वालों तुम बताओ, तुम मुफ्ती बनो, बताओ ये तवाफ इबादत बनेगा, ये तवाफ सवाब बनेगा, इस तवाफ पर अल्लाह राजी होंगे? नहीं, तुमने तवाफ का नक्शा बदल दिया। जो तवाफ अल्लाह ने फरमाया था, जो अल्लाह के पैगंबर ने करके दिखाया था, तुमने उस तवाफ को 7 की बजाय 9 का कर दिया, 10 का और 11 का कर दिया। तुम सफा मरवा में दौड़ रहे हो, 7 चक्कर तुमने उमरे में हज में करने थे, तुमने कहा ये तो कमजोर आदमी करेगा, मैं पहलवान ताकतवर नौजवान हूँ, मैं 8 चक्कर दौड़ूंगा, मैं 9 चक्कर दौड़ूंगा ताकि मुझे सवाब ज्यादा मिले। ये आपका सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, तुम बताओ कोटद्दू के मुसलमानों, ये सवाब बनेगा, ये इबादत बनेगा, ये दीन बनेगा? नहीं, कोई नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने उस सफा मरवा की सही का नक्शा बदल दिया जो अल्लाह ने दिया था और पैगंबर ने करके दिखाया था। तुमने शैतान को कंकरियां मारी हज में, तुमने कहा ये दुश्मन है हमारा, इसने हमें परेशान किया, हमारे बाबा आदम को गुमराह किया, उनको इसने गुमराह नहीं गलत ही गलत मशवरा दे दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की हिफाजत में थे, अल्लाह की इस्मत में थे, मगर उसने कहा इस दरख्त के करीब चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए शैतान हमारा इंसानों का दुश्मन है, इसको पत्थर कंकरियां मारनी है, 7 नहीं मारनी, 8 मारनी, 9 मारनी है, 10 मारनी है, ताकि शैतान की अदावत नफरत का हो। ये तुम्हारा रमी करना, कंकरियां मारना इबादत नहीं बनेगा, ये सवाब नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने उस कंकरियों का नक्शा बदल दिया जो अल्लाह के पैगंबर ने अपने अमल से उम्मत को दिया था। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने यही अदान, आपने कहा अदान खत्म कहां हो रही है, बोलो भी कहां खत्म हो रही है अदान, ला इल्लल्लाह पर। आपने कहा ये तो आधा कलमा है, मेरा मोहब्बत का तकादा है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूंगा, मैं अदान को पूरे कलमे पर खत्म करूंगा। बताओ ये अदान इबादत बनेगी? क्यों? यही बिदत है, दीन में इजाफे का नाम बिदत है। तुम नमाज पढ़ रहे हो 4 या 3 रकात वाली, दूसरी रकात में तहियात के बाद दुरूद पढ़ोगे या पढ़े बगैर खड़े हो जाओगे? बोलो, पढ़े बगैर आखिरी रकात में दुरूद पाक पढ़ोगे? अगर तुमने पढ़ा अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद और फिर तुम खड़े हो गए और दुरूद पढ़ लिया, बताओ कुछ वाजिब होगा? बोलो, तुमने खड़ा होना था, फौरन नहीं खड़े हुए, 3 या 4 रकात वाली नमाज, दूसरी रकात में तैयार हुआ, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर खड़े हुए, कुछ वाजिब होगा क्या?
क्यों सजदा साफ क्यों वाजिब हो? सजदा साफ तो गलती पर आता है। दुरूद पाक पढ़ा है, कौन सी गलती की आपने? 10 गुना माफ, 10 दर्जे बुलंद। जवाब यह आएगा कि तुमने वहां दुरूद पढ़ा जहां हुजूर ने नहीं बताया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 3 या 4 रकात वाली नमाज में आखिरी रकात में पढ़ना, तुमने उससे पहले पढ़ा है। ये नक्शा बदल दिया तुमने, अत्तहियात का, तशहुद का, पहले कादा का नमाज में नक्शा बदल दिया। जिससे दीन का नक्शा बदले उसको बिदत कहते हैं। और हकीम अख्तर साहब ने क्या, इस पर खत्म करता हूं, फरमाया सुन्नत कहते हैं हुजूर से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदत है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक। क्या प्यारा जुमला है। सुन्नत कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हुजूर की पसंद के मुताबिक, और बिदत नाम है हुजूर से मोहब्बत अपनी पसंद के मुताबिक। अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद जिनसे अल्लाह ने हमें जोड़ा है, अल्लाह हमें इन्हीं से जोड़ा रखे, ये उलमाए हक हैं। इन्होंने कहा है हम दीन उसी को मानेंगे जो अल्लाह फरमाएंगे, जो अल्लाह का पैगंबर फरमाएगा। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी रहमतुल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, वो फरमाते थे मैं दीन का मसला, शरीयत का मसला वो मानूंगा जिस पर मेरे रब की मोहर होगी, मेरे मोहम्मद की मोहर होगी। जिस पर अल्लाह की मोहर नहीं है, हुजूर की मोहर नहीं, मैं उसको दीन नहीं मान सकता। यही बात उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात यही कहते हैं, दीन वो है जो हुजूर ने फरमाया, दीन वो है जो हुजूर ने पसंद किया, दीन वो है जो हुजूर ने किया। आपका और मेरा कहा हुआ दीन नहीं बन सकता। एक जुमला याद रख लो तो आज के जलसे में आना जाना कामयाब हो जाएगा कि दीन हमारी पसंद का नाम नहीं, दीन अल्लाह और पैगंबर की पसंद का नाम है। ऊंची आवाज से कहो दीन, ऊंची आवाज से कहो दीन अल्लाह रसूल की पसंद का नाम है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। मक्के जाते हो तो लब्बैक कहते हो, मदीने जाते हो तो अस्सलातु वस्सलाम पढ़ते हो, अस्सलाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते हो। यही दो है, अल्लाह के साथ ताल्लुक और नबी के साथ ताल्लुक। अल्लाह से ताल्लुक है बंदे का और हुजूर से ताल्लुक है उम्मती होने का। दीन वो बनेगा जिसको अल्लाह पसंद करे, हुजूर पसंद करे, जिसको मैं और आप पसंद करें वो दीन नहीं बन सकता। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।